स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 3 में गैमेटोजेनेसिस के टॉपिक्स को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करके मुझे सेंड करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ बर्थ कैनाल, कि बर्थ कैनाल कौन सी दो कैनाल से बनी हुई है, उसकी कॉम्पोजिशन को आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट नेम्स ऑफ वॉल्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस की 3 वॉल्स होती हैं, उन वॉल्स के नाम आपको लिखने हैं। सो विदाउट डिले लेट्स मूव टू अदर टॉपिक। गैमेटोजेनेसिस, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स द टेस्टिस इन मेल्स एंड द ओवरीज इन फीमेल्स प्रोड्यूस गैमेट्स, दैट इज स्पर्म्स एंड ओवम रिस्पेक्टिवली, बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस की मदद से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी मेल में टेस्टिस स्पर्म बनाते हैं तथा फीमेल में ओवरी ओवम बनाती है। सो चलिए अब हम पहले स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब कि स्पर्म कैसे प्रोड्यूस होता है, वो सारी की सारी प्रोसेस को हम पढ़ेंगे पहले। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि प्यूबर्टी के टाइम स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं, यानी उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर वो पहले माइटोसिस करते हैं, मींस अपना नंबर बढ़ाते हैं। फिर डिफ्रेंसिएशन करके वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिप्लॉयड सेल्स ही होते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस करते हैं। मियोसिस में वह पहली मियोसिस यानी मियोसिस 1 में डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होकर वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉयड होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आगे मियोसिस 2 करते हैं। मियोसिस 2 में, जैसे कि आपको पता ही है कि मियोसिस 2 सिमिलर टू माइटोसिस होती है, सो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करके अपने जैसे 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। वह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मॉडिफाई होके स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। वह स्पर्मेटिड्स आगे डिफरेंशिएट होते हैं और स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म बनाते हैं। सो ये है पूरी की पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। तो चलिए अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। टेस्टिस में इमेच्योर जर्म सेल्स यानी स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस करके प्यूबर्टी के समय स्पर्म्स बनाते हैं। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया यानी कि जो मेल जर्म सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की अंदर वाली वॉल में प्रेजेंट होते हैं, वो पहले माइटोसिस करके अपनी गिनती बढ़ाते हैं। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। हर स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है और इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। कुछ स्पर्मेटोगोनिया जिन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, वो डिफ्रेंशिएट होके बनते हैं, मींस कि स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं, कुछ स्पर्मेटोगोनिया आगे मैच्योर होते हैं, डिफ्रेंशिएट होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करते हैं। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यानी रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉयड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करके 2 हैप्लॉयड सेल्स बनाते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, और यह हैप्लॉयड होने के कारण इनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं।
द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस फोर इक्वल हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंड मियोटिक डिवीजन करके यानी फर्दर माइटोसिस करके चार इक्वल एंड हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स को बनाता है। वट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द स्पर्मेटिड्स? आप क्या सोचते हैं कि स्पर्मेटिड का क्रोमोजोम नंबर क्या होगा? हैप्लॉयड, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। हैप्लॉयड होगा क्यों? क्योंकि यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब मियोसिस होती है तब स्पर्मेटिड बनते हैं। सो ऑब्वियसली इनमें क्रोमोजोम नंबर 23 होगा, यानी कि ये हैप्लॉयड होंगे। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इंटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड्स स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया की हेल्प से स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स बनाते हैं। यानी कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया से स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म में बदल जाते हैं, यानी कि स्पर्मेटिड्स मॉडिफाई होकर ही स्पर्म बनाते हैं। After spermiogenesis, sperm heads become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation. Spermatogenesis के बाद sperm का head Sertoli cell से जुड़ जाता है तथा spermiation की क्रिया के बाद seminiferous tubules से release कर दिए जाते हैं। चलिए अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल कंट्रोल देखते हैं। सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस होता है वो GnRH यानी गोनैडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होकर दो हार्मोन्स LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। ये दोनों हार्मोन्स टेस्टिस पर एक्ट करते हैं और टेस्टिस में आपको जैसे पता ही है कि दो तरह के सेल होते हैं, लेडिग सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। जो LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो लेडिग सेल्स पर एक्ट करता है और इसके एक्ट होने के कारण लेडिग सेल्स टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एंड्रोजन है। सर्टोली सेल्स पर FSH एक्ट करता है और सर्टोली सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस को शुरू करते हैं और साथ ही साथ एक इनहिबिन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेट हो सके। अब टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो असेसरी डक्ट्स की फंक्शनिंग और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। पिक्चर की हेल्प से स्पर्मेटोजेनेसिस को देखते हैं। सबसे पहले आप स्पर्मेटोगोनियम को देखिए। ये जो नीचे रेड कलर की है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनर वॉल है और स्पर्मेटोगोनियम इनर वॉल के सेल्स हैं। अब आप देख रहे हैं सर्टोली सेल्स। कुछ स्पर्मेटोगोनियम अपने आप को डिफरेंशिएट करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल देते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनियम दोनों ही डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, यानी उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब आप स्क्रीन पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को देखिए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसे बनते हैं? जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो मियोसिस करते हैं और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को बनाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉयड सेल्स होते हैं एंड उनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मॉडिफाई होके स्पर्मेटिड बनाते हैं। जो स्पर्मेटिड होता है वो एक्चुअली क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो उसका जो हेड है वो सर्टोली सेल्स में इम्बेड होता है। जब स्पर्म का हेड सर्टोली सेल में इम्बेड हो तो उस स्ट्रक्चर को हम स्पर्मेटिड कहते हैं। स्पर्म का हेड जब सर्टोली सेल से रिलीज हो जाता है तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म कहते हैं।
इस तरह स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। दिस इफ यू रिकॉल इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के समय स्टार्ट होती है क्योंकि इस समय GnRH यानी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाती है। अगर आपको याद हो तो यह एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन का मतलब है जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट्स एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ टू गोनाडोट्रोफिन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। बढ़े हुए GnRH यानी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के लेवल्स इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं तथा जिसके कारण वह दो गोनाडोट्रोफिन LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ा देता है। LH acts at the Leydig cells and stimulate synthesis and secretion of androgens. Androgens in turn stimulate the process of spermatogenesis. LH यानी कि luteinizing hormone आगे Leydig cells को stimulate करता है ताकि वह androgens secrete करें। Androgens आगे spermatogenesis को stimulate करते हैं। Stimulate करने का मतलब होता है start करना। FSH act on the Sertoli cells and stimulate the secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis. FSH कुछ factors को stimulate करता है जो कि spermiogenesis में help करते हैं। Spermiogenesis का मतलब होता है कि spermatid से sperm का बनना। चलिए अब आप एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस की समरी को देखिए। प्यूबर्टी के समय जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो माइटोसिस करता है और मॉडिफाई होकर मतलब कि डिफ्रेंसिएशन कर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। स्पर्मेटोगोनिया तथा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दोनों ही डिप्लॉयड सेल्स होते हैं यानी उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस वन करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉयड सेल्स होते हैं यानी उनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंड मियोसिस करके स्पर्मेटिड बनाते हैं। स्पर्मेटिड भी हैप्लॉयड सेल्स होते हैं। स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन होती है और वो स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म बनाते हैं। चलिए अब हम स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले आप स्पर्म का हेड देखिए। जो पूरी की पूरी स्पर्म की बॉडी है वह एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। उस मेम्ब्रेन का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म की टिप पर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म की ओवम में एंट्री को फैसिलिटेट करते हैं। अब आप स्पर्म के हेड में हैप्लॉयड न्यूक्लियस को देखिए जिसमें कि क्रोमोसोम मटेरियल होता है। अब आप स्पर्म की नेक को देखिए। ये है स्पर्म का मिडल पीस। स्पर्म के मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। क्यों यह माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि स्पर्म को स्विमिंग के लिए एनर्जी मिल सके। ये है स्पर्म की टेल। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। चलिए अब हम स्पर्म की बनावट को देखते हैं। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, अ मिडल पीस एंड अ टेल। यह एक माइक्रोस्कोपिक संरचना है जिसमें हेड, नेक, मिडल पीस तथा टेल होते हैं। अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेल्प्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म के हर तरफ घेरे होती है। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉयड न्यूक्लियस द इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम।
The acrosome is filled with enzymes that help fertilization of the ovum. Sperm के head में एक haploid nucleus होता है जिसका अगला हिस्सा cap-like होता है जिसे हम acrosome कहते हैं. Acrosome enzymes से भरा होता है जो कि ovum की fertilization में help करते हैं. The middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of the tail that facilitates sperm motility essential for fertilization. मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि स्पर्म को चलने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग ए क्वाइटस ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विग्रस मोर्टैलिटी. ह्यूमन मेल लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स एक क्वाइटस के समय इजैकुलेट करता है. आम फर्टिलिटी के लिए कम से कम 60% स्पर्म नॉर्मल साइज तथा शेप के होने चाहिए तथा 40% बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करने वाले होने चाहिए. स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के द्वारा रिलीज किए गए स्पर्म्स एसेसरी डक्ट्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. सिक्रीशंस ऑफ द एपिडिडाइमस वास डिफंस सेमिनल रिसाइकल्स एंड प्रोस्टेट आर असेंशियल फॉर द मैच्यूरेशन एंड द मोर्टैलिटी ऑफ द स्पर्म्स. एपिडिडाइमस वास डिफंस सेमिनल रिसाइकल तथा प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस स्पर्म की मैच्योरिटी तथा मोर्टैलिटी के लिए जरूरी हैं. द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट द सीमन. सेमिनल वेसाइकल्स की सिक्रीशंस यानी सेमिनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिलकर सीमन बनाते हैं. द फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स एंड्रोजन्स. मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स तथा ग्लैंड्स के फंक्शन टेस्टिकुलर हॉर्मोन यानी एंड्रोजन्स मेंटेन करते हैं. वीडियो में एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स एंड मटेरियल्स यूज हुआ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे. सो आप उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की हेल्प से ज्वाइन कर लें. गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.